सो हाई गाइस, एक्सप्लोर एडर हियर, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं जो एक्चुअली वीडियो बना रहा हूँ वो है टाटा पंच के ऊपर। टाटा पंच में जो जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया, सो अभी तक मैंने चला लिया 2482 किलोमीटर। सो या एंड फर्स्ट जो मुझको प्रॉब्लम एक्चुअली लगा, ये जो टाटा पंच का एक्चुअली लॉकिंग सिस्टम किया, मतलब जो टाटा का गाड़ी में एक्चुअली जो टियागो है, जो निक्सन है, उससे अलग किया, ऐसे ही किया। मतलब ये नॉर्मल हो गया, मतलब अनलॉक ऐसे, डोर ओपन ओके, डोर क्लोज ऐसे किया, डोर लॉक ठीक है। ये मतलब ये ड्राइवर साइड के लिए दिया, इट्स कम्प्लीटली ओके, नो इशू। बट हाँ, ये जो पैसेंजर साइड है और रियर में भी, मतलब रियर साइड में भी, दोनों में भी ऐसे ही दिया। बट ऐसे एकदम ही देना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर मतलब अगर कोई भी बच्चा बैठा है इधर तो गाड़ी चलते चलते ये मतलब पूरा टोटली ओपन हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ है, आप पीछे वाले डोर पे, इधर से आप चाइल्ड लॉक कर सकते हो। अगर ये अगर चाइल्ड लॉक एक बार अगर कर दियो, मतलब कर देंगे आप, तो इधर से आप ये ओपन नहीं कर सकते, मतलब गाड़ी के अंदर से अब ये कभी भी ओपन नहीं कर सकते, आपको बाहर से ओपन करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे डोर, मतलब विंडो ओपन करके उसके बाद यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। ये एक एक्चुअली दिक्कत है, कोई कोई लोग बोल रहा है ये एक मतलब हिडन फीचर्स है, ये एक एक्चुअली गजब की फीचर्स है, ऐसा नहीं है। सब गाड़ी में ऐसे चाइल्ड लॉक देता है, चाइल्ड लॉक का मतलब ही है, मतलब आप मतलब गाड़ी का भीतर से आप ये डोर ओपन नहीं कर सकते हो, आपको बाहर से ओपन करना पड़ेगा डोर। तो इसके लिए सॉरी, मैंने एक बात है, मतलब ये मतलब एक लॉक वाला जो फीचर्स है, एकदम ही मतलब मैं तो बोलूँगा घटिया चीज़ है। अगर ड्राइवर साइड के लिए दे देता तो एकदम ही ठीक ठाक था, लेकिन हाँ पैसेंजर साइड, मतलब पैसेंजर और रियर साइड में ये देना नहीं चाहिए था, स्पेशली मतलब रियर साइड पे। रियर साइड पे ही मतलब बच्चे लोग बैठते हैं, तो अगर बच्चा एक बार मतलब ये चाहे तो डायरेक्ट ओपन कर दे सकता है। तो ये एक मतलब बड़ा दिक्कत है प्रॉब्लम पे। और सेकेंड प्रॉब्लम मुझको लगता है वो इंटीरियर लाइट। पहले बात तो एक ही लाइट दिया, और वो लाइट में भी मतलब मैंने इससे पहले भी एक जो रिव्यू किया था उसमें बोला था, जो ये लाइट है मतलब ये एक पाइलट लैम्प वाला सेटअप है, जो मतलब गाड़ी का मतलब फोन पे लगता है या बाइक पे लगता है, वो सेटअप में दिया। जो इंटीरियर का लाइट का जो सेटअप होता है, अगर वो देता था तो मतलब एटलीस्ट वो लाइट मतलब ब्राइटनेस थोड़ा सा ब्राइट होता। तो ये एक्चुअली पाइलट जो लैम्प है वो लैम्प भी यहाँ पर दे दिया। तो आई थिंक इट्स एक्चुअली कॉस्ट कटिंग थिंग्स, बट हाँ ये एक चीज़ है मतलब प्रॉब्लम पे। मुझको तो ये भी एक मतलब एक्स्ट्रा प्रॉब्लम लगता है। हाँ, ये चीज़ एकदम देना नहीं चाहिए था, जो नॉर्मल लाइट है वो देना चाहिए था। एटलीस्ट अगर इधर भी ऐसे ही देता तो इधर एक देता, तो इधर भी एक दे देता, और मिडिल पे एक देता, तो भी मतलब बात बनता। तो ये एक बात है। एंड अनदर थिंग इज़ कि इसमें सिर्फ ऑन एंड ऑफ का ही ऑप्शन है, और डिफ़ॉल्ट पे डोर का ऑप्शन, थ्री मोड वाला स्विच भी नहीं है। अगर मतलब देखो, मैं एक बार डोर ओपन कर देता हूँ तो वो लाइट जल जाता है। सो यही बात है, मतलब मैं चाहूँ तो ये नहीं बंद कर सकता हूँ। तो ये एक चीज़ है। और मतलब मैं एक चीज़ देख रहा था एक्चुअली यूट्यूब पे, एक्चुअली टाटा पंच अभी मतलब एक क्या बोलूँ मैं, हॉट टॉपिक पे है अभी भी यूट्यूब पे। तो इसके लिए अभी तो मतलब नॉर्मल हो गया ना, जो टाटा पंच का रिव्यू होता है, जो नॉर्मल चीज़ होता है, वो सब हो गया। तो अभी क्या कर रहा है लोग, मतलब जो मतलब प्रॉब्लम अगर गाड़ी में भी नहीं है, वो चीज़ भी मतलब लोग बोल रहा है जो हाँ ये प्रॉब्लम है। हाँ, ये चीज़ है, अगर मतलब उसके यूनिट में ये प्रॉब्लम हो गया, मतलब हो सकता है, लेकिन सभी का गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम होगा तो ये तो मुझको नहीं लगता, क्योंकि अभी तक तो मैंने ये कुछ प्रॉब्लम फेसिंग नहीं किया। तो ये एक बात है। एक्चुअली मैंने एक दिख रहा था, एक्चुअली एक क्या यूट्यूबर ने बोल रहा था कि ये गाड़ी का एक्चुअली लाइट जो है, हेड लाइट, वो एकदम मतलब ब्राइट नहीं है, मतलब जो हेड लाइट होता है उसका लाइट का थ्रो भी अच्छा नहीं है, जो लाइट का पोजीशन है वो भी ठीक नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू मी, मैं तो बोलूँगा जो हेड लाइट का मतलब पोजीशन है, एक बार मैं दिखा देता हूँ,
आप एक बार खुद ही देख लो, ये गाड़ी का जो हेडलाइट है एक्चुअली, आप देखो गाड़ी का जो हाइट है, हेडलाइट का जो हाइट मतलब एग्जैक्ट सेम है। अगर ये हेडलाइट मतलब इधर दे देता ना, अगर अगर हेडलाइट इधर दे देता तो मतलब ये मतलब नीच में तो कोई मतलब कोई लाइट पड़ता ही नहीं था। तो मतलब मैं तो बोलूँगा ये लाइट एकदम प्रॉपर पोजिशनिंग पे है। मैं तो ये बोल रहा था कि फॉग लाइट का ज़रूरत नहीं है, ये लाइट इतना अच्छा है, मतलब ये लाइट का पोजीशन और लाइट का थ्रो इतना अच्छा है कि मुझको तो फॉग लाइट का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो यही एक बात है, मतलब ये हेडलाइट के तो मतलब मुझको तो कोई प्रॉब्लम नहीं मिला। हाँ मैंने बोला था गाड़ी का क्वालिटी पे इशू है, ये जो बम्पर है, ये बम्पर मतलब वॉश करने के बाद थोड़ा सा वाइट वाइट हो जाता है, तो ये सब चीज़ में प्रॉब्लम है। आप इधर देखो थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, इधर देखो थोड़ा सा गैप कम है। आप मतलब नज़दीक से देखोगे तो मालूम चलेगा, एक बार देख लो इधर का गैप और इधर का गैप थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा दिक्कत है गाड़ी में, मतलब ये नहीं बोलूँगा कि हाँ गाड़ी एकदम परफेक्ट है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है। हाँ यही एक बात है, और मैंने ये चीज़ भी बोला था जो इधर का जो रबर है, अगर ये हुक अगर आप लगाओगे तो इसमें भी दिक्कतें आएगा, ये रबर काट सकता है। तो ये एक बात है प्रॉब्लम। और एक चीज़ मतलब टाटा पंच मेरा गाड़ी जो है मार्च महीने 2022 का मैन्युफैक्चरिंग है, और गाड़ी टाटा पंच लॉन्च हुआ था शायद अक्टूबर या नवंबर पे 2021। सो उस टाइम पे इधर जो ऑक्स केबल का जैक होता है इधर देता था, लेकिन क्या करूँ अनफॉर्चुनेटली मेरे मतलब जब मेरा गाड़ी मैन्युफैक्चर हुआ उस टाइम पे बंद कर दिया ये चीज़। इधर अगर ऑक्स केबल का जैक दे देता तो डायरेक्ट ऑक्स केबल से भी मैं चला सकता हूँ म्यूज़िक। एक्चुअली बात क्या है, ब्लूटूथ पे अगर आप म्यूज़िक चलाओगे तो उसमें एक्चुअली म्यूज़िक का जो क्वालिटी है, जो मतलब फ़ोन से आप चलाओगे तो 100% आउटपुट नहीं मिलेगा, 80% के आसपास मिलेगा। लेकिन अगर आप मतलब डायरेक्ट ऑक्स केबल से अगर चलाओगे तो शायद 100% मिल जाएगा आउटपुट। तो अगर आप देखोगे तो ऑक्स केबल से अगर चलाओगे तो वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज होता है नॉर्मल मतलब ब्लूटूथ के चलाने से। तो ये एक बात है, ये एक ड्रॉबैक मुझको लगा। और शायद अभी का जो एक्चुअली गाड़ी मतलब जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसमें ये जो नॉर्मल जो ऑटो टर्न ऑफ, एक मिनट, ये वाला जो मतलब ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप जो ऑप्शन होता है वो भी एक्चुअली बंद कर दिया। सो ये सब चीज़ एक्चुअली कंपनी कर रहा है कॉस्ट कटिंग के लिए। और अभी तक के लिए तो कोई भी उतना प्रॉब्लम मुझको लगा नहीं। जो जो मतलब मैं एक चीज़ ही बोलूँगा जे गाड़ी में उतना प्रॉब्लम नहीं है, जो जो मतलब यूट्यूबर लोग अगर मतलब जो बोल रहा है आई थिंक वो सब व्यूज़ के लिए बोल रहा है, कोई भी उतना प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। हाँ गाड़ी 3 सिलेंडर इंजन है, गाड़ी में जार्क है वो भी मैंने बोल दिया। गाड़ी अगर फास्ट स्टार्ट करोगे, फास्ट स्टार्ट करने के बाद फास्ट गियर दे के एसी दे के अगर गाड़ी आप चलाओगे तो झटका देगा गाड़ी में, ये सब चीज़ होगा ही होगा क्योंकि ये 3 सिलेंडर इंजन का गाड़ी है ना, इसके लिए होगा ही। बट इससे मतलब इससे और कोई भी तो प्रॉब्लम मुझको अभी तक फेस नहीं हुआ। प्राइस पॉइंट में एक सेफेस्ट कार मिल रहा है, मतलब 5 स्टार रेटेड, और क्या चाहिए। तो यही बात है, मैं एक्चुअली सेटिस्फाइड हूँ। अगर मतलब कोई भी जो मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम वाला जो आप वीडियो देख रहे हो तो अगर देख के अगर मतलब थोड़ा सा एक बार आप खुद से मतलब वेरीफाई कर लो कि ऐसा प्रॉब्लम होता है कि नहीं। अगर आप मतलब चाहो तो आप गाड़ी एक बार जाके शोरूम पे टेस्ट राइड ले लो, उसके बाद ही आप डिसाइड करना क्या करना है क्या नहीं। तो बट मेरा यही सजेशन है, मतलब गाड़ी अगर मतलब आप जाके अगर गाड़ी लुक्स आपको पसंद आया, ये सेफ्टी रेटिंग मतलब सब कुछ ठीक ठाक है आपके लिए, बजट ठीक ठाक है, तो गाड़ी अगर मतलब गाड़ी आप जाके एक बार टेस्ट राइड ले लो, उसके बाद ही डिसाइड करना। क्योंकि ये जो मतलब अभी जो सब चल रहा है, सब लोग बोल रहा है जे इतना क्या प्रॉब्लम है कि नहीं, तो इसके लिए अगर एक बार आप जाके देख लो उसके बाद ही आप डिसाइड करना।
कोई कोई लोग तो बोल रहा है ये एसी में भी मतलब उतना पावर नहीं है, बट मेरे को तो मतलब सफिशियंट लग रहा है। मतलब अभी तो उतना गर्मी नहीं है, लेकिन जब अप्रैल मई महीने में मैंने गाड़ी चलाया था बाहर पे 42-45 टेम्परेचर था, गाड़ी का एसी झट से मतलब झट से कूल कर देता था, मतलब 10 से 15 मिनट के बीच में। तो और क्या बोलूँ, एक छोटा गाड़ी से आप और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या मतलब 2 मिनट में गाड़ी ठंड कर देगा। तो यही एक बात है, आप देख लो गाड़ी। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं मतलब जो एक्चुअली हाँ आपको तकलीफें देगा, ये एक लॉक है जो, ये एक लाइट है जो एक्चुअली, बट और जो 3 सिलेंडर इंजन है ये भी थोड़ा सा आपको अंडर पावर लगेगा, लेकिन इससे अलावा कोई भी चीज़ आई थिंक आपको परेशान नहीं करेगा, आप देख लो। और हाँ, एक टाटा का सर्विस भी होता है एक्चुअली, उसमें भी दिक्कतें आता है किसी किसी लोगों को, किसी किसी शोरूम पे ये प्रॉब्लम होता है, बट मैंने अभी तक के मतलब फास्ट सर्विस किया मैंने तो गाड़ी लिया था टीसी मोटर्स हावड़ा से, तो मेरा तो एक्सपीरियंस ठीक ठाक है। बट हाँ, अगर टाटा का गाड़ी आप ले रहे हो तो आप एक बार पहले चेक कर लेना गाड़ी को, मतलब आपका एरिया पे ठीक किए, मतलब फीडबैक आप ले लेना जैसे सर्विस कैसे होता है क्या नहीं, उसके बाद ही आप डिसाइड कर लेना। सो दिस इज़ फॉर नाउ, थैंक यू एक्सप्लोरर राइडर साइनिंग ऑफ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और आपने वीडियो मतलब इतना तक देख लिया तो ज़रूर अच्छा ही लगा होगा, तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब ऑल्सो माई चैनल। या थैंक यू।